अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। भले तमाम चैनलों पर भारत में राम मंदिर को लेकर तस्करे तबसरे जारी हैं, पर आलमी सतह पर तस्वीर कुछ और है। दुनिया के अक्सर मुस्लिम देश या तो ऐश परस्ती में मुलव्वस है या फिर आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यही तस्वीर आपको गली मोहल्ले से लेकर दिल्ली तक और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को आज का मौजू अलग लगे, पर यह सच्चाई है कि अमेरिका इसराइल आलमी सतह पर कामयाब होते नजर आ रहे। मुसलमानों की कैफियत जैसे हमने ऊपर बताई कि या तो मुसलमान ऐश परस्ती में मुब्तला है या फिर आपसी अख्तलाफात में मुलविस है। पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा अरसा गुजरा, अब तो 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू हुई थी, अब तक ये जंग जारी है। दुश्मन के लिए सबसे आसान तरीन तरीका यह है कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दो, और इस तस्वीर को गली मोहल्ले से आलमी सतह तक आसानी से देख सकते हैं। सऊदी अरब अमेरिका इसराइल को यमन पर हमले के लिए जगह दे देता है, यानी कि वहां पर एयरबेस, और ईरान पर पाकिस्तान हमला करता है, पाकिस्तान ईरान पर हमला करता है। दोनों तरफ भले मौतों के आंकड़े कम हो, लेकिन किस तरह आपस में लड़वाने में अमेरिका इसराइल कामयाब हो जाता है देखने को मिल रहा है। और शायद जिस तरह अल्लाह ने अपने कलाम पाक में कहा है कि अगर तुम अल्लाह की राह में जद्दोजहद न करोगे, दीन का काम न करोगे और इत्तेहाद का मुजहरा नहीं दिखाओगे, सरकश और बुरे कामों में मुब्तला हो जाओगे, तो तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को खड़ा कर दिया जाएगा और वो तुमसे बेहतर होंगे। लिहाजा इसी तरह बनी इसराइल की मिसाल भी बारहा पेश की गई है। मतलब जिस तरह मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ता देखा जा रहा है, इतना तो जरूर है कि जो पैदाइशी मुसलमान है शायद ये कुछ तब्दीलियां नहीं लाएंगे, इनकी जगह पर दूसरों को लाया जाएगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। खैर, गाजा इसराइल जंग 100 दिनों से भी ज्यादा लड़ी जा रही है और अभी भी जारी है, और साउथ अफ्रीका ने तो इसराइल को आलमी अदालत में खींच कर गाजा हमले पर जवाबदेही तय की थी। लिहाजा ईरान और पाकिस्तान की जंग ने तस्वीर बदल दी है और मामले को दूसरी तरफ ही मोड़ दिया है। बजाय गाजा पर इसराइल की हो रही बर्बरियत के अब तबसरे ईरान पाकिस्तान यमन पर बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान ने अपने अपने बयानात बिल्कुल एक जैसे ही दिए हैं, जैसे जो भी मुल्क की हिफाजत को चुनौती देगा या इसकी सुरक्षा को लेकर अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो हम उससे लड़ेंगे। अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान की हिमायत में आ चुके हैं और अब सऊदी भी पाकिस्तान के हक में बोल रहा है। मतलब किस तरह मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वा कर जंग के असल मकसद ही को नजरों से मोड़ दिया। आलमी सतह पर इसराइल अमेरिका की छीथू हो रही है, यहां तक ईसाई और यहूदी भी लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। बच्चों औरतों का कत्लेआम गाजा में किया जा रहा था, हूती लड़ाकों ने इसराइल की नाक में दम करके रखा था, वहीं हिजबुल्ला और हमास ने कमान संभाल रखी थी, लेकिन किस तरह माहौल को बदल लिया जाता है। इससे पहले भी इस तरह की घिनौनी चाल अमेरिका इसराइल मुस्लिम ममालिकों को लेकर खेल चुका है। ईरान इराक जंग या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान कुवैत ईरान वगैरह पर जब कोई कौम दुनिया परस्ती की आदी हो जाती है तो वो किस कदर जिल्लत की नजर हो जाती है ये भी देखने को मिल रहा है। बेलगाम जैसे छोटे शहर में मुसलमानों की कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी किसी जगह पर सिवाय मसलक की बुनियाद के कहां इकट्ठा होते हैं, और वैसे भी ऐश परस्ती अब मुसलमानों में बड़े तौर पर देखी जाती है। अब तो लोग दूर दराज सैर तफरी के लिए जाते देखा जा रहा है। शायद कोई दिन हमारे शहर में गुजर रहा हो जहां से उमरा के लिए काफिले न निकले हो। अब तो स्विट्जरलैंड तुर्की जर्मनी यूरोप घूमने वालों की तादाद भी रोजाना बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है। मुकद्दस जगहों पर जाते हैं पर जिंदगियां बदलने का नाम नहीं है। यकीनन यसरब और हरमैन की जियारत होनी चाहिए, लेकिन नियत ही में जिंदगी में इनकलाब की बजाय महज तफरी बनने लगे, यानी कि नियत ही इस तरह की बन जाए तो फिर आपका उस वक्त जाते वक्त रोना भी एक ढोंग लगने लगता है। उम्मत की सिसकियां जो गाजा के खंडारों से निकलकर आप गली मोहल्ले के उन गरीब मुफलिसों से सुनने से आप कासिर होने लग जाते हैं, तो समाज माशरा कैसे तब्दील हो सकता है। घरों में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में होने का कहां ईमान के तकाजों को पूरा करना सिखाए। अपने मुसलमान भाई से ही बदला लेने के लिए कुछ तो बजरंग दल और राम सेना के लीडरों से रابطہ रखते और इसे फख्र भी कहते हुए देखा जाता है। किस तरह रसूख वाले हैं ये बताने की कोशिश करते हैं, इसका मुजाहरा करते हुए देखा जाता है। इसे क्या कह सकते हैं, जमातों का जहर आज भी नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि उम्मत में इत्तेहाद है आपको नजर नहीं आता, उम्मत बहुत बेदार है आपको नजर नहीं आता। बारहा सिर्फ आप उम्मत पर तंज करते रहते हैं, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिल्लत का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कि मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी नजर नहीं आया। रोज सुबह उठते ही आज कितनों के साथ फरेब करना है का मनसूबा बनाने वाले कई लोगों को हम देख रहे हैं, और अगर ये सब नहीं है तो फिर बताए कोई कि मुसलमानों के हक में हमारे शहर से लेकर गाजा यमन और ईरान तक कहां बेहतर फैसले नाजिल हो रहे हैं।
नौजवान नस्ल आज भी ख्वाब गफलत में है। आसानी से कोई भी हमारे अंदर तफरका पैदा कर सकता है, और कोई साजिश क्यों चले, हम तो साजिश के लिए हम खुद ही रास्ते हमवार कर देते हैं। मुसलमानों में छोटी छोटी बातों पर हम आपस में इख्तलाफात के लिए तैयार रहते हैं, बात अच्छी न लगे लेकिन आज भी कुछ दिन रहबर उम्मत को जोड़ने के बजाय मसलक की बुनियाद पर तफरका पैदा करने के काम को महज वक्ती और जाती मुफाद की खातिर अंजाम देते रहते हैं। आज ईरान, यमन, सऊदी अरब, पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ इसलिए हुए है क्योंकि इस्लाम दुश्मन अमेरिका और इसराइल गाजा को खत्म करना चाहता है, और यह मुमकिन मुसलमान मुत्तहिद हो तो नहीं हो सकता। आसान तरीका यह है कि इनको टुकड़ों में बांट दिया जाए, और इसी फॉर्मूले को लेकर भारत में भी अंग्रेजों ने फूट डालो और हुकूमत करो के तहत चलाया, कामयाब भी हुए। आज हिंदू मुसलमान लड़ भी रहे हैं और मुसलमानों के और भी टुकड़े होते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद मजहबी और जज्बाती मौजू है, हर धर्म की आस्था अलग होती है, पर आज मीडिया मुसलमानों को राम मंदिर पर कितने खुश है का सवाल करती है, इसे क्या कहा जाए। वही दूसरी ओर कुछ मुसलमान या तो अपने आप को बेहतर समझकर या फिर डर खौफ की वजह से कुछ बोलने को तैयार नहीं। खैर, इसी तरह आलमी सतह पर भी इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया। ईरान को हराना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती थी। ईरान शिया है तो हमास सुन्नी था, लेकिन दोनों ने मुत्तहिद होकर दोनों सुपर पावर अमेरिका और इसराइल को घुटनों पर लाया था। ईरान पर 12 सैंक्शंस लगाने के बावजूद अमेरिका को आंखों में आंख डालकर ईरान बात करता रहा। भारत ने ईरान की बाजू लेते हुए कहा कि अपने मुल्क के तहफ्फुज के लिए ईरान को भी हक है कि अपनी दिफा के लिए वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे मार भी सकता है। पाकिस्तान कहता है कि 20 किलोमीटर बलूचिस्तान से आगे ईरान में जाकर हमने हमला किया है, तो ईरान कहता है कि बलूचिस्तान के सरहद पर हमले किए गए। क्या ये पाकिस्तान और ईरान की नौटंकी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? जो भी हो, दोनों सूरतों में आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? दुनिया भर में दोनों ममालिक की फजीहत हो रही है, मुसलमान मुल्कों पर दुश्मन हंस रहा है, लिबरेशन आर्मी ऑफ बलूचिस्तान ने फिर से धमकी दी है कि हम बदला जरूर लेंगे, मतलब आपको करना क्या है और कर क्या रहे। वही दूसरी ओर हुती लड़ाकों ने अमेरिका के जहाज पर हमला किया है। हाल ही में 2 दिन हुए हैं जिसमें जहाज का बड़ा नुकसान होने का दावा हुती लड़ाकों ने किया है। जाहिर है अब यमन पर अमेरिका हमले और तेज करने वाला है, और इन हमलों के लिए सऊदी अरब अमेरिका को पहले से ही एयरबेस दे चुका है और सऊदी के एयरबेस से ही हमले किए जा रहे हैं। मतलब ये जंग और भी बढ़ने वाली है। सऊदी में तो वैसे भी नाच गाना, डांस और बड़े बड़े होटल्स, फिल्मी थिएटर्स, तमाम अयाशियां तो वैसे भी जारी हो चुकी हैं। और यही तो मामला है कि भले आप बड़े मुल्कों से आलमी सतह पर मुस्लिम ममालिक यानी कि कुछ मुस्लिम ममालिक और शहरी सतह पर आप पूरे इंडिया में भी आप देख सकते हैं, दूसरे मुल्कों के शहरों में भी, कि या तो मुसलमान अय्याशी में मुब्तला है या फिर आपसी इख्तलाफात में। ये जंग भी और बढ़ने वाली है और इसी की तरफ ये तमाम इशारे नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरों को देखने के बाद इतना जरूर समझ में आ रहा है कि भले गली मोहल्ले से लेकर आलमी सतह पर मुसलमान बिखरा हुआ है, और यही मुसलमानों की तबाही की वजह बन सकती है, इतना ज़रूर है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत के अंदर इत्तेहाद को कायम करें। आपको आज का मौजू कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरें। आज दलित तंजीमों की जानिब से राम मंदिर के नाम पर मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हुए संविधान को बदलने की कोशिश जारी है, ऐसा इल्जाम लगा। लिहाजा महंगाई, बेरोजगारी के बजाय राम मंदिर जैसे मौसू जानबूझ कर लाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और संविधान यानी आईन हिंद की हिफाजत के लिए दलित तंजीमें हमेशा सरगर्म रहेंगे, ऐसा बयान दलित संघर्ष समिति के रियासती सदर मौली शंकर ने बताया। इस वक्त दलित का ईद मलेश चौगले भी हाजिर थे। आज गोवा सर्कल सड़क हादसे में खातून के दोनों पांव पर से ही ट्रक गई, जिसकी वजह से दोनों पांव पूरी तरह से नाकाम हुए। खातून का नाम रुकैया सैयद, उम्र 80 साल, मुस्लिम गली अंगूल बताया जा रहा है। मामले को दर्ज किया गया। कॉलेज को जाने के लिए स्कूटी की जिद की इनकार करने पर फांसी लगाकर जान देने की वारदात वीरभद्र नगर में पेश आई। लड़की का नाम तहसीन बताया जा रहा है। मामला मार्केट पुलिस थाने में दर्ज किया गया। तशद्दुद फैलाने वाली पोस्ट को लेकर बसवान कुर्ची में कॉलेज तलबाओं में हाथापाई पेश आई। तमाम तलबा पॉलिटिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। मस्जिद, मंदिर या कोई भी मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल न करें, ऐसा सीपीआई कालमिर्ची की जानिब से बताया गया। मामला माल मारुति थाने में दर्ज किया गया। कल वजीर आला सिद्धरामैया ने क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के गांव नंदगढ़ में इजलास में शिरकत फरमाई और यहां की जगह को तरक्की याफ्ता बनाने का वादा किया।
किले की मशहूर दरगाह सैयद बदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 21 तारीख से शुरू होगा। बरोज पीर बागवान गली से संदल निकलेगा, 23 को कव्वाली और 24 को महफिल समा होगी, ऐसा दरगाह कमेटी की जानिब से बताया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।